प्रतिपक्ष और पार्षद अपने आवेदनों और शिकायतों पर लगातार हो रही अनदेखी और स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाने के विरोध में नगर पालिका परिसर के पोर्च में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि नगर पालिका में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें इन सभी की जानकारी और दस्तावेजों की प्रतिलिपि मांगे जाने पर सीएमओ के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। वहीं इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें केवल वार्ड क्रमांक 7 का पार्षद होना बताया और उनके द्वारा चाही गई जानकारियों को भी देना नियमों के विपरीत होना बताया। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष अपनी अनदेखी पर बड़े आंदोलन और भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं। सारी योजनाओं में भर्रा शाही हावी है। मैंने पत्र के माध्यम से अनेक बार अवगत कराया कि आवास में जो भय दोहन किया जा रहा है, 30 तक भुगतान के पहले तो राशि दी जा रही है, पूरी की जा रही है, इसका प्रतिपक्ष कहीं उल्लेख नहीं है। और जो मांग की जा रही है अवैधानिक है। किसी भी दस्तावेज को या तो सूचना के अधिकार पे लेना चाहिए कार्यालय से, या फिर इस तरह से जो उनका पत्र मेरे पास भी आया है उसमें कहीं दिया ही नहीं जा सकता जो उनके द्वारा मांग की जा रही है। उनके द्वारा रजिस्टर एमबीबू के सब की कॉपी की मांग की जा रही है जो अवैधानिक है। योजनाएं चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा बेरला में